आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की हालेलुया। आज इस वीडियो को या इस मैसेज को जो बनाने का एक मकसद है और वो मकसद मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में इस जो सप्ताह शुरू होने वाला है, उस सप्ताह उस वीक को जो मसीही लोग हैं, बहुत सारे मसीही लोग उसको होली वीक के नाम से जानते हैं, पवित्र सप्ताह के नाम से। क्यों मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूं? क्योंकि जरूरी है कि हम में से हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जो बाइबल पर विश्वास करते हैं, उसको पता होना चाहिए आखिर ये होली जो वीक है यानी कि पवित्र जो सप्ताह, इसका महत्व क्या है, क्यों इस सप्ताह को पवित्र कहा जाता है या क्यों इस सप्ताह को मसीही लोग मनाते हैं, ऐसे क्या क्या घटनाएं हैं इस सप्ताह के मध्य में जो बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह के समय में घटित हुई है, उन बातों को जानना बहुत जरूरी है। तो इस सप्ताह की शुरुआत जो होती है वो पहले सप्ताह के यानी कि रविवार के पहले दिन से शुरुआत होती है और उस रविवार को पाम संडे के रूप में जाना जाता है। पाम संडे यानी खजूर का रविवार कहा जाता है उसको। और इसके सप्ताह के जो आखिरी दिन है वो ईस्टर संडे के रूप में समाप्त किया जाता है, यानी ईस्टर संडे के रूप में मसीही लोग उसको मनाते हैं और उसके बाद ये पवित्र सप्ताह कहते हैं कि वो समाप्त हो गया। मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को जानें और आप समझें कि जो सप्ताह पवित्र सप्ताह के नाम से जाना जाता है, इसका असली महत्व क्या है। आज हम बात करेंगे पाम संडे के विषय में और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गुड फ्राइडे, फिर उसके बाद तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे ईस्टर। तो आज मैं पाम संडे के बारे में कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूं बाइबल से, कि पाम संडे आखिर क्या है और पाम संडे किस प्रकार से मनाना चाहिए, यानी पाम संडे का उद्देश्य क्या होना चाहिए एक मसीह व्यक्ति के जीवन में, वो मैं कुछ बातों को आपको बाइबल से बताना चाहता हूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज देखिए, पाम संडे वो नहीं है जो आज अधिकतर कलीसियाओं में मनाया जाता है। जिस प्रकार मैं पिछले कुछ दिन पहले यानी कि एक दो दिन पहले मैं कुछ चर्चों को देख रहा था फेसबुक पर, यूट्यूब पर, लोगों ने अपने अपने कलीसिया को सजाया है और उसके बाद उस फोटो को खींचकर पोस्ट किया है कलीसिया को सजाकर। अब मैंने देखा बहुत सारे कलीसियाओं में खजूर की डालियों से उन्होंने सजाया है, पूरे कलीसिया में खजूर की डालियां लगा दी हैं, गेट पे खजूर की डालियां लगा दी हैं और उसके बाद जहां पर कलीसिया का अध्यक्ष यानी कि पास्टर या डिकन है, जो भी वहां अध्यक्ष है, वो जहां बैठते हैं उस कुर्सी को खजूर की डाली से सजाया गया। ये बहुत शर्म की बात है। मैं क्यों कह रहा हूं बहुत शर्म की बात है, क्योंकि जिस हिसाब से पाम संडे को मनाया जा रहा है या जिस हिसाब से वो लोग इस चीज को कर रहे हैं, वो बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि एक पास्टर की कुर्सी को खजूर की डाली से सजाया जाए या जब पास्टर कलीसिया में चल के आए तो उसके पैरों के नीचे खजूर की डालियां रखी जाए, ऐसा कहीं बाइबल नहीं बताती है। बाइबल क्या बताती वो हमें देखना होगा। पाम संडे की शुरुआत हम जानते हैं कि यीशु मसीह के आखिरी जीवन काल के आखिरी समय, आखिरी सप्ताह जो वो यरूशलेम में आकर बिताते हैं, वहां पर जो बिताए गए समय, वो उसमें प्रवेश जब करते हैं यरूशलेम शहर के अंदर, वो पाम संडे के रूप में हम जानते हैं। तो बाइबल में अगर हम उस चीज को पढ़ें तो देखेंगे कि वहां पर आखिर घटना क्या हुई है और उसके बाद उसको समझना है। आज जिस तरह से पाम संडे मनाया जाता है, क्या यही पाम संडे होना चाहिए कि आप खजूर पूरे साल आप पाप करते रहे, पूरे साल आप गलत चीजें करते रहे, अपने जीवन को परिवर्तन ना करें, अपने जीवन में कोई भी अच्छी बातें ना करें, बाइबल के अनुसार जीवन ना जिए और सब जो वर्ष के यानी कि साल के आखिरी दिनों में जाकर इस पाम संडे के टाइम पे पवित्र जो सप्ताह कहलाते हैं इसके टाइम पे आप आके खूब पवित्र बन जाए, कलीसिया को सजा डाले और ये सब करें, इससे क्या आपके पाप धुल जाएंगे, आपके पाप क्षमा हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप पवित्र जीवन नहीं जीते, यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं चलते, तो इन सब को करने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप पवित्र जीवन जीते हैं, बाइबल के अकॉर्डिंग जीवन जीते हैं, उसके बाद अगर आप इन चीजों को देख रहे हैं अपने जीवन में होते हुए, वही आपके लिए पाम संडे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कलीसिया को सजाना और बहुत खजूर की डालियां लाकर चद्दरें बिछा देना, ऐसा करना, ये सब चीजें तो मुझे लगता है कि सिर्फ दिखाने के लिए किया जाता है, दुनिया को बताने के लिए किया जाता है, बट इससे आपके आत्मिक जीवन में कोई बहुत बड़ी उन्नति नहीं होती है। आत्मिक जीवन में उन्नति कब होगी? जब आप बाइबल के अनुसार जीवन जिएंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, वही आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाम संडे की शुरुआत वो बाइबल बताती है यरूशलेम में विजय प्रवेश, यीशु मसीह का विजय प्रवेश यरूशलेम में। वहां एक घटना घटती है मेरे प्रियो, कि जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय को आप पढ़ेंगे तब आप वहां देखेंगे कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं तो वहां एक घटना घट रही है। मैं दो तीन लाइनें आपके लिए पढ़ूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उसके असली जो मकसद है क्या था, उस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर 21:2 से पढ़ते हैं,
वहां लिखा सामने के गांव में जाओ, जहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ उसका बच्चा तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि सामने के गांव में जाओ, एक गधी मिलेगी, उसका बच्चा उसके साथ बंधा होगा, उसको खोलकर मेरे पास ले आओ। ये बात यहां घटती है। आप एक बात बताइए, यीशु मसीह ने गधी के बच्चे को मंगवाया, उस गधी के बच्चे की योग्यता क्या है? एक गधे के योग्यता के बारे में अगर देखा जाए, उस गधे का योग्यता कुछ भी नहीं। उस समय सामान ढोने के लिए या सवारी करने के लिए उस गधे का इस्तेमाल किया जाता। लेकिन यीशु मसीह ने जब उस गधे को मंगाया, मंगवाने के बाद क्या हुआ, घटना क्या घटी कि उस गधे के ऊपर यीशु मसीह को बैठना था और प्रवेश करना था। तो लोगों ने क्या किया, खजूर की डालियां ली और उस गधे के पैरों के नीचे बिछाया और हाथों में लेकर होसन्ना दाऊद के संतान होसन्ना गीतों को गाया और चद्दरों को बिछा दिया उस रास्ते पर। तो उस गधे के ऊपर कौन था? प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह जब उस गधे पे बैठ गए, उस गधे की जो अहमियत कितनी बढ़ गई। अब वो बोझा ढोने वाला या सामानों को ढोने वाला नहीं रहा, केवल उस जगत के पालनहार, जगत के सृष्टिकर्ता यीशु मसीह को लेकर चल रहा। उसकी इज्जत देखिए कितनी बढ़ गई। लोग जिस गधे पे सामान लेकर चलते थे, उस गधे के पैरों के नीचे मखमल के कपड़े बिछाने लगे, खजूर की डालियां बिछाने लगे, ताकि उस गधे को आराम से जाने में मदद मिले। मेरे प्रियो, इससे समझने वाली बात मैं आपको आज मैं क्या बताना चाहता हूं कि जब आप प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, या मैंने जब प्रभु यीशु को ग्रहण किया, तो हम भी गधे के समान थे। हमें पता नहीं था हम किस ओर जा रहे। कोई भी शैतान हमें अपने हिसाब से बोझ डालकर, हमारे ऊपर पाप डालकर, हमारे ऊपर हमें नरक की ओर ले जा रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, उन्होंने हमें उस गधेपन की परिस्थिति से उठाकर अपने जीवन में, हमारे जीवन में प्रवेश करके हमें एक ऐसा उद्देश्य और हमारे जीवन में ऐसे महान कार्य किया कि हम अब स्वर्ग जाने के योग्य बन गए। ये बात याद रखना और अपने जीवन को पवित्रता में जीना, यही है आपका पाम संडे। आपको आज के दिन, पाम संडे के दिन, आपको याद रखना होगा कि यीशु मसीह ने आपको किस परिस्थिति में से निकाला है और किस परिस्थिति में पहुंचा है। यह है आपके लिए पाम संडे का। योग्यता से बढ़कर जो देने वाला काम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया है, वो है पाम संडे। केवल खजूर की डालियां लेके कलीसिया से जाना, पास्टरों के पैरों के नीचे खजूर की डालियां डाल देना, ये पाम संडे नहीं है। पाम संडे क्या, आपको जानना होगा, आपको इस चीज को अंगीकार करना होगा कि यीशु मसीह ने आपको किस परिस्थिति में से निकालकर आपको क्या बनाया है। आपके जो पुराने जीवन को बदलाव करके नए जीवन की ओर लेके आना, यही है पाम संडे। इस बात को जो याद रखा है, उसके लिए सही मायने में पाम संडे। अगर आप इस बात को याद नहीं रखते हैं, तो आपके लिए कोई पाम संडे नहीं है। आप सिर्फ संसार के, जैसे संसार में बाकी त्योहार मनाए जाते हैं, उसी प्रकार आप भी एक त्योहार मना रहे। इससे आपका कोई आत्मिक लाभ नहीं होने वाला, इससे आप स्वर्ग नहीं जाने वाले। अगर आपको स्वर्ग जाना होगा, तो आपको यीशु पर विश्वास करके उसके वचन के अनुसार जीवन जीना होगा। इसमें एक और घटना होती है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पाम संडे के दिन, यानी पाम संडे के समय में, उस पूरे सप्ताह में जो होली वीक के नाम से जाना जाता है, जब यीशु मसीह यरूशलेम में आते, पहली घटना मैंने आपको बताया गधी के बच्चे के विषय में, कि जब यीशु मसीह आए, तो उस गधी के बच्चे का जो एक सही मायने में उसको एक ऐसा आवभगत, यानी कि उसके स्वागत हुआ उस गधी के बच्चे को, जो कभी उसके जीवन में नहीं हुआ था। उसी प्रकार जब यीशु मसीह में हम आ जाते हैं, यीशु हमारे जीवन में आते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। तो एक और घटना मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। वो घटना है 21 के 12 को जब हम पढ़ते, वहां लिखा है यीशु मसीह मंदिर में गए और वहां पर यीशु मसीह ने क्या देखा। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सराफों के पीढ़े और कबूतरों बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं का खो बना तुम उसको डाकुओं का खो बनाते हो। हालेलुया। यहां इंपॉर्टेंट चीज कि जब यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में गए, तो जो परमेश्वर का भवन था, तो देखा क्या, वहां पर लोग व्यापार कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं। यीशु मसीह को गुस्सा, यीशु मसीह ने वहां पर सबको भगाया, मारा, जो उनके जानवर थे उनको मारकर, लोगों को नहीं, जानवरों को थे उनको मारकर भगाया, कोड़े बनाए और जानवरों को पीटकर वहां से भगा दिया। आज के समय में हमारा शरीर कौन है? परमेश्वर का मंदिर है। ये शरीर क्या है? ये परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम और तुम्हारा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा इसमें वास करना चाहती है। आज आपको देखना होगा, क्या इस मंदिर में आप लेन देन कर रहे हैं? क्या इस मंदिर में आप व्यापार कर रहे हैं? क्या इस मंदिर में आप शैतान के कामों के साथ साथ यीशु मसीह के कामों को भी लेकर चल रहे हैं? बुराइयों को भी अपने शरीर के द्वारा कर रहे हैं, और फिर यीशु मसीह को खुश करने वाली बातों को भी अपने शरीर के द्वारा कर रहे हैं।
अगर ऐसा जीवन आप जी रहे हैं तो क्या आप पाम संडे मना पा रहे हैं? सोच के देखिएगा, इस पाम संडे को जो आप खुशी मनाने जा रहे हैं खजूर की डालियों को लेकर, क्या आपने अभी तक अपने मंदिर को पवित्र किया है? अगर नहीं किया है तो कोई फायदा नहीं है आपके इस पाम संडे मनाने से, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप नरक की ओर जा रहे हैं। आपको अपना मंदिर पवित्र करना होगा। यही है पाम संडे का असली मकसद, असली मतलब आपको अगर बाइबल से समझना होगा। दुनिया आपको बहुत चीजें दिखाती है, दुनिया आपको बताएगी पाम संडे क्या, चर्च बताएगा खजूर की डालियां लाओ सजाओ और हुल्लड़ मचाओ, होसन्ना होसन्ना गाओ। वो दाऊद के समय, वो इज़राइल के समय, वो परमेश्वर के समय, जो यीशु मसीह के समय ये सब किया गया था, वो सारी चीजें लोग आज सिखाते हैं करने के लिए, लेकिन पवित्रता का जीवन जीने के लिए बहुत कम लोग सिखाते हैं। अगर आप पाम संडे के दिन खजूर की डालियों को लेकर नहीं लहराएंगे, इससे कुछ नहीं होगा। अगर लहराएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, नहीं लहराएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप पवित्र जीवन जिएंगे, वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपका सही मायने में पाम संडे वो है, ये आपको समझना होगा। इसीलिए आज मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं ताकि आप समझ सके। बाइबल पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय से लेकर 28, उसके सारे अध्याय को जब आप पढ़ेंगे आप देख पाएंगे उस सप्ताह में क्या क्या घटनाएं घटी यीशु मसीह के साथ और यीशु मसीह ने क्या क्या बातें की। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी थी, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप ज्यादा देर तक आप वीडियो देखेंगे नहीं, आप स्किप करके चले जाएंगे। आने वाले वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए शॉर्ट में मैंने आपको बताया। इन्हीं दौरान में हमने देखा, अगर आप देखेंगे कि यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, उन्होंने माफ करना सिखाया, हालेलुया, दूसरों के लिए दर्द सहना सिखाया। ये सब चीजें पाम संडे, ये सब चीजें ईस्टर, ये सब चीजें हैं गुड फ्राइडे। अगर ये सब आपके जीवन में नहीं है तो इन त्योहारों को मनाना आप संसार के अन्य जातियों के समान बन जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे प्रियो आप बाइबल पढ़े, उसके अनुसार जीवन जिए, इस दिखावटी संसार के समान ना चले, संसार के सदृश ना बने, परंतु आपके मन के नए हो जाने से आपका चाल चलन बदलना चाहिए। यही प्रभु का आज्ञा है। अगर आप बदलेंगे, पवित्रता का जीवन जिएंगे, प्रभु उससे प्रसन्न होगा। आपके खजूर की डालियां हिलाने से प्रभु प्रसन्न नहीं होता। ईस्टर के दिन खुश होने से, गुड फ्राइडे के दिन रोने से प्रभु खुश नहीं होता। खुश होता है उसके आज्ञा मानने से। बलि चढ़ाने से उत्तम है कि कोई यीशु मसीह की आज्ञा को माने, इस बात को याद रखें। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप समझ सके कि आखिर पाम संडे का सही मकसद क्या है। हमें परमेश्वर ने योग्यता से बढ़कर दिया, एक गधे को उस योग्य बना दिया कि सृष्टिकर्ता उसके ऊपर बैठ सके और लोग उसकी महिमा कर सके और मंदिर को पवित्र करना। ये दो बातें मैंने आज आपको बताई, आप और भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी बातें वहां मिलेंगी। प्लीज बाइबल पढ़ें और समझे पाम संडे क्या है। ऐसे किसी के कहने पर आकर दुनिया के समान हुल्लड़ मचाकर पाम संडे मनाकर आपका कोई फायदा नहीं। असली पाम संडे यीशु के वचन में है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो से, इस मैसेज से आप समझ पाए होंगे कि पाम संडे क्या है और परमेश्वर के वचन में बढ़े। प्रभु आपको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की, आशीषित रहे, प्रभु में बढ़े, उद्धार में बने रहे यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू।